अभी हमने होपसेक डिस्कस किया था और लास्ट उसमें डेरिवेटिव्स स्टिच और सेंटर स्टिच्ड होपसेक ये दोनों डिस्कस किए थे। नाउ वी विल डिस्कस अदर डेरिवेटिव ऑफ होपसेक वीव। अगर किसी बच्चे को ये डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये डिफिकल्ट हैं थोड़े बनाने में, तो डेरिवेटिव छोड़ सकता है, पर होपसेक और ये फैंसी बास्केट वीव ये याद कर ले, ये डेरिवेटिव छोड़ सकता है, इसके बिना उसका काम चल जाएगा आराम से। अब नेक्स्ट इज बार्ले कॉर्न होपसेक वीव। बार्ले कॉर्न, कॉर्न मीन्स क्या होता है, पॉपकॉर्न खाते हो, किससे बना होता है, मक्के से। बार्ले कॉर्न मक्का, जैसे मक्का कैसे होती है, यों उसके ऊपर छिलके बने होते हैं, ऐसे ही देखो इधर, ऐसे ही यों टेढ़ी टेढ़ी इसमें लाइंस डली हुई हैं, एंगुलर, तो इसलिए इसका नाम बार्ले कॉर्न है। ये स्टिचिंग के लिए डाल रखी है, इसकी पकड़ बनाने के लिए, इसकी पकड़, इसकी पकड़, इसकी पकड़, इसकी, ये यहां पर देखो कितना था, 1 2 3 4 5 6 6, और ये भी था 7, 7 का गैप था, तो ये एडजस्ट करने के लिए यहां डाल दिया। ये कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको एक बनाने का मेथड है, लेट अस से 10 × 10 ले रहे हैं हम, ये स्टैंडर्ड ही याद रख लेना, एक 10 × 10 बना लेना। अब ये है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, चारों, ये 5 है, ये 5 है, 10 का है, रिपीट साइज क्या है इसका, 10 × 10, तो 5 वाले पे कॉर्नर पे क्रॉस लगाने हैं आपने। इसके बाद ये बीच वाला भरना है, देखो ये कॉर्नर पे क्रॉस हो गए, बीच में 3 × 3 रह गया, 5 थे तो 2 में क्रॉस हो गया, तो 3 × 3 रह गया, तो ये 3 × 3 भर दो। तो स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, यहां भी फिल कर दो। सो स्टेप नंबर 1 इज फिल ऑल 4 कॉर्नर्स, स्टेप नंबर 2 फिल इन बिटवीन 3 × 3, ठीक है। उसके बाद में अब ये डायगोनल लाइंस यहां से शुरू करो, देखो ये डायगोनल जाएगी लाइन, बन गया, यहां पे ये 2 हैं, इनको डायगोनली ऐसे ले आओ स्टिचिंग के लिए। ये देखो डायगोनली कॉर्नर टू कॉर्नर है, ये इस कॉर्नर में फिनिश नहीं होगी, ये कॉर्नर के एक ऊपर है और एक नीचे साइड में है, तो ये 2 लाइनें बन गई और एक ये बन गई। फिर से देखो स्टेप नंबर 1, कॉर्नर में 5 × 5 के कॉर्नर में देने हैं आपने क्रॉस अप, फिर स्टेप नंबर 2 3 × 3 बीच में भर देना है, और स्टेप नंबर 3 इस क्रॉस को जोड़ना है, स्टेप नंबर 4 इसके नीचे डायगोनल बनाना है, तो दिस बिकम बार्ले कॉर्न। देखो ऐसे छिलका होता है उसके ऊपर, मक्के के ऊपर ऐसे छिलका होता है, साइड बाय साइड उतरता है, दिस इज बार्ले कॉर्न। नेक्स्ट इज ट्विल्ड होपसेक वीव। ट्विल मीन्स डायगोनल लाइन, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हमारा ट्विल ही है, उस टॉपिक के बाद ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ट्विल कर लोगे और सेट इन कर लोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। पर फिर भी यहां बना लेते हैं, 8 × 8 में ये बना लिया, 8 × 8, दिस इज रिपीट साइज 8 × 8, दिस इज ट्विल्ड होपसेक वीव। ड्रॉ करोगे तो हेडिंग डालना है, उसके बाद में नीचे ये ड्रॉ करना है, इधर देखो ये डार्क है ये लाइट है, तो ये कैसे बना, ये 8 है तो इसमें स्टेप लेने हैं 3 के या 5 के, तो स्टेप कैसे लेने हैं, यहां क्रॉस लगाया, 1 1 2 3 अप क्रॉस, 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 1 2 3 अप। तो ये अब डिनोट करोगे, ये बाद में सट इन में ऐसे होता है, थर्ड बेसिक वीव में ऐसे भरते हैं, जब थर्ड बेसिक वीव कर लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इस हाउ टू फिल। ये हर एक लाइन में एक क्रॉस आएगा, एक पहली में ये आ गया, दूसरे में यहां आ गया, तीसरे में यहां, चौथे में यहां, पांचवें में यहां, छठे में यहां, सेवंथ में, एट्थ में, और ऐसे तो हमने फिल किया ही था, तो हर एक वार्प और वेफ्ट में एक एक क्रॉस आपका ऑलरेडी आ गया है। अब क्या करना है, अब इसको एक्सटेंड करना है क्रॉस को, 1 क्रॉस
इज इक्वल टू दिस, या फिर इसको क्रॉस कर लो, सर्कल और क्रॉस इज अप, वार्प अप, तो यहां भर दिया, इसका यहां भर दिया, इसका यहां भर दिया, इसका यहां भर दिया, इसका ये भर दिया, इसका यहां भर दिया, यहां दो आने थे, ये नीचे आ गए, इसका यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, इसका यहां, यहां ये दो यहां हैं, तो ये यहां आएंगे वापस, ये फिल अप हो गया, तो ये ही बन जाता है। अब इसको देखोगे तो ट्विल मतलब होता है ट्विल्ड होप सेक, ट्विल मतलब डायगोनल लाइन, तो ये देखो डायगोनल लाइन में नजर आएगा होप सेक। होप सेक अभी तक कैसे था, एक यहां एक यहां, इसमें भी देखो पहले कैसे था, एक यहां एक यहां, एक यहां एक यहां, इसमें डायगोनल लाइंस में आ गया, यहां 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 ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्विल्ड होप सेक बिकॉज इट इज इन डायगोनल लाइन, ट्विल सेकंड अभी बेसिक भी पढ़ेंगे तो उसका नाम ही ट्विल है, वो डायगोनल लाइंस बनती हैं।